Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Speeder Learning Management System. पिछले lecture के अंदर हमने chapter 2 को complete कर लिया था. Chapter 2 के जितने भी questions हैं उसके उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से practice करना है. इस lecture के अंदर हम मज़ीद chapter 3 को start करने जा रहे हैं. Chapter 3 में जो है वो नाम उस book में जो है वो हमारे पास है Averages of First Order. लेकिन ये चैप्टर बेसिकली इसका जो है वो ये नाम भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन. तो दोनों नामों का मतलब एक ही है, चाहे एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो या लोकेशन हो, एक ही बात है. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज की. एवरेज क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू जो कि सारे के सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो. जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर अक्सर जो है वो एवरेज की बात करते हैं, हम एवरेज कैलकुलेट भी करते हैं, जिसमें एवरेज एवरेज में हम क्या करते हैं, जो एवरेज हम सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं उसमें हम कहते हैं जी के सब सब वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी. जैसे पाँच वैल्यूज़ हैं तो पांचों को जमा करके पांच पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज आ जाएगी. तो वो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो एक सिंगल वैल्यू होगी और वो सारे के सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी, मींस के उन्हीं फिगर्स के अराउंड होगी. उसके बाद है जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इफ द एवरेज टेंड्स टू लाई आर इंडिकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक अगर एक एवरेज जो हमने कैलकुलेट की है वो डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर को इंडिकेट करे तो इसका मतलब क्या है कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी वो एवरेज से के डाटा का सेंटर पॉइंट हमें एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जो है वो पता चल जाए या जो है वो डाटा के सेंटर पॉइंट के अराउंड वैल्यू जो है वो हमें पता चल जाए. तो वो वैल्यू जो डाटा के सेंटर के अराउंड होगी उसके अराउंड जो है वो सारा का सारा डाटा जो है ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सकेगा, जो कि शो करेगा डाटा के अंदर आने वाली टेंडेंसी को और जो है वो ये पोजीशन को शो करता है जो है वो समटाइम्स अपने डाटा के अंदर. जैसे हम आगे एवरेजेस पढ़ेंगे और साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा कि ये हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं. इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास तीन हैं. कौन कौन सी हैं जी, अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है और मोड है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन की. अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अ गिवन डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द डाटा, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. इसको जो है वो हम एक्स बार से डिनोट करते हैं. ये वो एवरेज है जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की आप लोगों से जब एवरेज की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि जितनी भी वैल्यूज उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी. तो ये जो एवरेज आती है इस एवरेज को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं. अरिथमेटिक मीन दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, दो मेथड हैं इसके कैलकुलेट करने के. एक है डायरेक्ट मेथड और एक क्या है, इनडायरेक्ट मेथड. तो जो है वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या क्या है. इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास है सबसे पहले शॉर्टकट या डेविएशन मेथड, और इस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास कोडिंग आर स्टेप डेविएशन मेथड है. तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड हैं और डायरेक्ट में कोई भी नहीं है. तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अरिथमेटिक मीन के तीन मेथड हो गए. अरिथमेटिक मीन के जो है वो मेथड दो ही हैं जिन्हें हम जो है वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसके फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं. अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से वो क्या है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन. ग्रुप डाटा में फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ. इनडायरेक्ट मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड है, इसमें एक्स बार इक्वल किसके होता है, ए प्लस मिशन डी ओवर एन. और जो है वो ग्रुप डाटा में एक्स बार इक्वल होता है ए प्लस मिशन एफ डी ओवर मिशन एफ के. इसी तरह से जो है वो इसके सेकंड मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड का है, कोडिंग मेथड. तो कोडिंग मेथड में जो है वो अनग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल होता है ए प्लस मिशन यू ओवर एन इंटू एच और सी.
एज यूज करते हैं या इसकी जगह पे हम सी यूज करते हैं। एज तो आप लोग जानते हैं, एज का मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और सी हमारे पास क्या है, कॉमन डिवाइजर है। कॉमन डिवाइजर ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज में डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा होता, और अगर हमने कोडिंग मेथड अप्लाई करना है तो वहां पे हम देख ढूंढते हैं कॉमन डिवाइजर को। तो कॉमन डिवाइजर वो वैल्यू होती है जो कि सारे के सारे एक सिंगल नंबर जो कि सारे डाटा को जो है वो डिवाइड कर सके। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कोडिंग मेथड में x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इनटू एच और सी। एच या सी की जगह पे कोई एक जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से समेशन जो है वो शो करता है सम सम या टोटल को। सिग्मा साइन जो है वो सम या टोटल को शो करता है। इसी तरह से ए का मतलब है अज्यूम या प्रोविजनल मीन, यानी वो वैल्यू जो हमने खुद से जो है वो नॉमिनेट कर लेते हैं, खुद से जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो डी हमने पढ़ा था शॉर्टकट मेथड में, डेविएशन मेथड में, वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के, और इसको क्या कहते हैं, डेविएशन इन एक्स फ्रॉम ए। इसी तरह से यू किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए और एच या सी, और इसको हम क्या कहते हैं, कोडेड वैल्यू। एफ फ्रीक्वेंसी को शो करता है, एक्स मिड पॉइंट को शो करता है, सी कॉमन डिवाइजर है और एच साइज ऑफ क्लास है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आज हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा जो है वो हमने इस डाटा से मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से। अब ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया है कि भाई डायरेक्ट मेथड से, अगर वो ना लिखता हो उसने तो हमारी फिर ओपन चॉइस होती है कि हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं। दोनों में से दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। अब दोनों का आंसर सेम आता है ये भी चेक हो जाएगा अभी आपका, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यूज पर लिखा हमने, एक्स की वैल्यूज का टोटल किया, क्या आ गया समेशन, एक्स जो है वो 90 आ गया, यानी सारी वैल्यूज को ऐड किया हमने। तो अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है तो हमारे पास एन कितना है जी 9 है। अब एक्स बार किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन, यानी 90 ओवर 9। 90 ओवर 9 को सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। इसी तरह से अगर हमने जो है वो नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड से करना हो तो उससे भी करने के लिए हम जो है वो सबसे पहले उसके वेरिएबल्स को डिवेल्प करते हैं। यहाँ पर जो हमने काम किया था उसमें हमारे पास वेरिएबल एक ही था एक्स, वो ऑलरेडी गिवन था, हमने कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया। तो समेशन साइन जिस भी वेरिएबल के साथ लिखा होता है, इसका मतलब होता है उस वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को हमने ऐड कर, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। मैं बन गया।